बारिश के मौसम में अगर स्वीट कॉर्न की हेल्दी स्नैक्स मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं स्वीट कॉर्न की दो ऐसी हेल्दी रेसिपी जो चटपटा भी है और बहुत इजीली बन के तैयार भी हो जाता है। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 1 लीटर के करीब पानी ले लेंगे। पानी गर्म हो जाने के बाद स्वीट कॉर्न ऐड कर लेंगे और ये नरम होने तक इसको कुक कर लेंगे। कॉर्न नरम हो चुका है तो इसको निकाल लेते हैं। इसको साइड में रख लेंगे और चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला चाट की रेसिपी। मसाला कॉर्न चाट बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो जाने के बाद छोटी सी चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें चॉप ऑनियन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ऑनियन फ्राई हो चुका है, इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। दो मिनट कुक करने के बाद इसमें रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, अमचूर पाउडर, कटी हुई टमाटो ऐड करके मिक्स कर लेंगे। टमाटो आधा कुक होने तक मिक्स करते रहना है। टमाटो आधा कुक हो चुका है, इसमें कटी हुई धनिया के पत्ते, ग्रीन चिली ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला कॉर्न की चाट बनके रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी। सेजुआन कॉर्न चाट की रेसिपी बनाने के लिए एक पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए चॉप ऑनियन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें फाइनली चॉप की हुई गार्लिक ऐड कर लेते हैं। गार्लिक का अरोमा निकलने के बाद इसमें कटी हुई कैप्सिकम ऐड कर लेंगे और इसको 2 मिनट कुक कर लेंगे। इसमें कॉर्न ऐड कर लेते हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। स्वाद के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, सेजुआन सॉस और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा और सेजुआन सॉस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सेजुआन कॉर्न बनके रेडी हो चुका है, इसको सर्व कर लेते हैं। ये बहुत चटपटा, हेल्दी एंड इजी रेसिपी है।
इसको गरम गरम खाना, वो भी बारिश के मौसम में, बहुत ही मजेदार लगता है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें।